आपके इलेक्शन टाइम पे हुए, हमारा तो इलेक्शन ये खा ही गए, हमें पता ही नहीं ना, हमें पता नहीं ना किस रफ्तार से गाड़ी चलाए। इलेक्शन अगले महीने होगा तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाएंगे, इलेक्शन 6 महीने के बाद होगा तो 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलाएंगे, इलेक्शन साल भर के बाद होगा तो हम गाड़ी गैराज में बंद रख के 6 महीने गाड़ी बचा के रखेंगे, पता ही नहीं चलता। असेंबली तो पहले ही खा गए थे, हम तो सोच रहे थे चलो अब पंचायत के इलेक्शन होंगे, हमारे म्युनिसिपल के इलेक्शन होंगे, उसकी तैयारी कर रहे थे, उम्मीदवार ढूंढने निकले थे, सबको हम तैयार कर रहे थे ना, आप तैयार रहो, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। दो दिन से क्या अमित शाह साहब ने दिल्ली में मीटिंग की, फिर से हमारी फूक निकल गई कि अब लगता है कि अब वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी खा गए ये लोग। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस बात के बावजूद भी ये हमें पसंद नहीं करते, कम से कम आपके इलेक्शन तो टाइम पे हुए। शायद अगर ये सिंबल वाला मामला 1-2 महीने पहले होता, मत ये इलेक्शन भी खा गए होते आपका, लेकिन क्योंकि तब तक नोटिफिकेशन हो गया था कर नहीं सके। सियासी गलती उससे अभी हम जूझ रहे हैं, इलेक्शन का कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, सुबह आएगा शाम आएगा, गर्मियों में आएगा सर्दियों में आएगा, कई लोग तो जान बाहक हो गए कि इलेक्शन का इंतजार करते हैं।